शुरू हो चुकी हैं और उसी तारतम्य में आज मैं अपना नाम निर्देशन पत्र यहाँ पर दाखिल करने के लिए हम लोग सभी साथी यहाँ पर आए हैं। जिस प्रकार से 2018 में भी मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दिया था, उसी प्रकार से 2023 में भी पूर्ण बहुमत के साथ जो है कांग्रेस की सरकार आने वाली है और विशेष रूप से जो 15 महीने का हमारा जो कार्यकाल गया है और जिस कार्यकाल में हमने जो जन कल्याणकारी योजनाएं हमने लागू करने का काम किया जिसने जनता को बहुत प्रभावित किया है और आज जो हमारा वचन पत्र है उस वचन पत्र के में जो विषय हमने जो वचन हमने दिए हैं मध्य प्रदेश की जनता को वो सारे विषय लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं और एक अपार जन समर्थन जो है कांग्रेस पार्टी को ना सिर्फ कसावत में बल्कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में मिला है और हम सभी साथी पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि इस बार मध्य प्रदेश में पूरी पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है। बीजेपी सवाल उठा रही है कर्जा माफी का जो बिंदु था उस पर ही कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई थी, अब फिर झूठ बोल रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार मध्य प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम कर रही है और लगातार झूठ का सहारा लेने का काम कर रही है। हम लोगों ने जब जब भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी मंत्री ने जब जब इस ऋण माफी को लेकर के सवाल उठाए हैं, हमने मय सबूत के और मय प्रमाण के उसका जवाब दिया है। और सरकार की तरफ स्वयं जब हमारे एक माननीय विधायक ने विधानसभा में प्रश्न लगाया था, उस प्रश्न के उत्तर में सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि मध्य प्रदेश में 27 लाख किसानों के कर्ज माफ हुए हैं। तो अब ये बताइए कि कौन झूठ बोल रहा है, या तो विधानसभा में जो मंत्री थे माननीय मंत्री, या तो वो झूठ बोल रहे हैं, या फिर प्रदेश के मुखिया झूठ बोल रहे हैं, या फिर प्रदेश के जितने मंत्री और जितने भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो झूठ बोल रहे हैं। समूचे मध्य प्रदेश में बदलाव की बयार है और मैं प्रदेश की जनता को का बहुत आभार मानता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। 2018 में भी मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दिया था, माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में निर्वाचित सरकार हमने बनाई थी, जिस सरकार को बेईमानी से लूट लिया गया और 2023 में पुनः विधानसभा के चुनाव में समूची मध्य प्रदेश की जनता का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी के साथ में है और हम माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में 2/3 बहुमत से मध्य प्रदेश में सरकार बनाए। ये टिकट में जो बदलाव हुआ उसको लेकर बीजेपी काफी सवाल उठा रही है, टिकट कांग्रेस तो वो अपना घर देखे, हम पर सवाल जवाब करने की कोशिश ना करें। शिवराज सिंह का बयान आया है कि टिकट बदल रहा है, शिवराज जी अपनी खुद की चिंता करें, अपनी पार्टी की चिंता करें, कांग्रेस पार्टी की चिंता करने की जरूरत आपको नहीं है। भैया, प्रदेश में आपकी जिम्मेदारी क्या रहेगी, भूमिका क्या रहेगी पूरे प्रदेश में? देखिए, सरकार बनानी है, इसमें सभी हमारे वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में हम सब लोग काम कर रहे हैं और जो भी जिम्मेदारी, अब प्रचार का समय शुरू हो चुका है, नॉमिनेशन की तैयारियां हो रही हैं और सभी हमारे उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं, नॉमिनेशन का काम चल रहा है। उसके बाद हमारे तमाम वरिष्ठ नेता, प्रियंका जी, राहुल जी, फर्गे जी, सोनिया जी के दौरे प्लान्ड है मध्य प्रदेश में और उनके साथ अन्य नेताओं के भी दौरे प्लान्ड है, तो सब लोग मिलकर सरकार बनाने में जुटे हैं। आप पिछली बार भी बुधनी से चुनाव लड़ रहे, इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे? नहीं, मैंने स्पष्ट पार्टी से कहा, वरिष्ठ नेताओं से भी कहा है कि मुझे इस बार चुनाव नहीं लड़ना है, मैं पार्टी के लिए काम करूंगा और सरकार बनाने हम लोग मदद करें। भैया, निमाड़ में जैसे परंपरा रही राहुल जी और प्रियंका जी की सभा, तो ये क्या प्रस्तावित? अब ये अभी इस पर कहना जल्दीबाजी होगी, जो वरिष्ठ नेता और जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो हमारे महासचिव हैं कमलनाथ जी हैं, वो जो तय करेंगे, मुझे लगता है शीघ्र इसके बारे में खुलासा होगा। निमाड़ में 6 की 6 सीटें कांग्रेस के पास थी और पूरे प्रदेश में कितनी सीटें आएगी? निमाड़ की खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी चारों ज़िलों में समस्त सीटें जीतने का हमारा प्रयास है और 2/3 बहुमत से मध्य प्रदेश सरकार आने चाहिए, मिशन 150। के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।